अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हिमायत अली और आप देख रहे हैं फुरकान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबा के आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम टंकी पंप की मोटर ले कर आए हैं जिसका कनेक्शन बॉक्स के चार वायर होते हैं, उनमें से एक वायर अंदर से निकल गया है। तो इसको हम खोल के चेक करेंगे और इसका ये टर्मिनल पॉइंट जो है कनेक्शन बॉक्स का एक कनेक्शन भी टूटा हुआ है, पुराना मोटर है। तो इसको हम चेक करेंगे खोल के। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोलेंगे, इसमें भी एक स्क्रू लगा हुआ है, इसमें तीन स्क्रू लगे हुए होते हैं, इसमें एक है, काफ़ी पुराना मोटर है। तो इसको चेक करते हैं, तो बैक कवर को खोलेंगे, ये देखें इसका पंखा भी निकला हुआ है, ये देखें इसे भी हम लगा देंगे आखिर में। उसको हम साइड से चेक करते हैं, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इस साइड में से पता चल जाएगा कि कौन सा वायर है निकला हुआ है। ये आप देखें, ये वायर टूट गया है अंदर से, ये बिल्कुल वाइंडिंग से नहीं टूटा है, यहीं से बाहर से टूट गया है। तो इसको हम इसमें दूसरा वायर जोड़ देंगे। अगर वाइंडिंग से टूटता तो हमें सब पूरा खोलना पड़ता। इसमें हम ये वाला वायर लगा देंगे बाहर से, इसमें जोड़ के इसको बाहर निकाल देंगे। चलिए, इसका जो कनेक्शन बॉक्स का होल होता है और भी चेक करते हैं। यहाँ पे इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसे क्लच प्लेट भी कहते हैं, वो लगा हुआ होता है यहाँ पे, इसके भी वायर सही लगे हुए हैं। यहाँ से होल से इसको वायर को गुजारेंगे, देखें बाहर आ गया है वायर ब्लू वाला, बाहर की तरफ खींच के के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे। अच्छे से इसको ट्विस्ट कर देंगे। अब इसको हम मोड़ के साथ दबा के इसको टेप कर देंगे। इसको हम ये टेप लगा देंगे। अच्छे से इसको टेप लगाना है, कहीं ये बॉडी से शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये पानी का मोटर है टंकी पंप, तो पानी में भी करंट आ सकता है। अच्छे से इसको टेप लगा दें, कहीं से भी तार रह ना जाए। तो टेप को लगा देंगे हम, टेप को लगा के इसको थोड़ा सा बाहर खींच देंगे। ये तार कुछ ज़्यादा लंबा है तो इसको हम यहाँ से काट देंगे इसके बराबर, यहाँ से काट के इसके इंसुलेशन उतार के जो सिंगल वायर है इसके साथ इसको मिला देंगे। इसमें से चार वायरें बाहर आती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल का होता है, एक कैपेसिटर का होता है और दो वाइंडिंग की वायर्स होती हैं। तो इनको हम दो दो जोड़ी में होते हैं, हम इसका वायर टूट गया था तो उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद हम इसको चेक करेंगे, ये सीरीज बोर्ड का ये वायर है, इसके साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सीधा करके थोड़ा सा रखेंगे घुमा के, ये स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा झटका मारता है तो उसको प्लास से पकड़ेंगे। ये देखें स्टार्ट होगी, इसको चेक करेंगे कहीं बाड़ी से तो शार्ट नहीं है, टेस्टर से नहीं, ये सही ठीक है, सही चल रही है। इसको बंद करके
उसका फैन लगा देते हैं जो इसका निकला हुआ था, इसको यहाँ पे रख के इसको यहाँ से फिट कर देंगे। नहीं आ रहे तो बस इसको ठोकना पड़ेगा, थोड़ी से इसको ठोक के घुमा के देखें कहीं ये अटक तो नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, इसको चेक करके फिर इसको टाइट करते हैं। इसको प्लास से पीछे वाले नट को पकड़ के आगे वाले स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। देखें कितने लूज हैं इसके स्क्रू, कभी तो ये निकल गया था। दूसरे वाले को भी इसी तरह प्लास से पीछे वाले नट को पकड़ के आगे वाले स्क्रू को टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कर दें, फिर आप शीशे को भी प्लास से पकड़ के स्क्रू ड्राइवर से को टाइट कर देंगे। अभी हम इसका बैक कवर लगा देते हैं। बैक कवर को एडजस्ट करके अब इसमें एक ही स्क्रू है, बराबर रख के इसमें स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू से स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर दें, सिंगल एक ही स्क्रू लगा हुआ है, इसको अच्छा टाइट कर दें ताकि ये पंखे वनखे से टकराए ना। क्या बैक कवर मोटर का बहुत ज़रूरी है, ये बैक कवर की वजह से ही मोटर ठंडी रहती है। बैक कवर हवा को इसके ऊपर फेंकता है जो इसके ये ब्लेड हैं उन पे लगता है। तो चलिए दोस्तों, ये मोटर तो तैयार हो गया। मुझे दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।